अगर आप भी थक चुके हैं, जिंदगी से हार चुके हैं तो जरूर सुने। जिन कठिनाइयों से हम लोग भागते हैं, उन्हीं कठिनाइयों को अवसर बनाकर अनाथ बच्चों की माँ कही जाने वाली सिंधु ताई, पॉजिटिव ऊर्जा और मोटिवेशन के लिए जानी जाने वाली सिंधु ताई की कहानी, जिसे बताने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 20 साल की उम्र में 10 दिन की बच्ची सहित उनकी ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर सिंधु ताई को पेट पालने के लिए कुछ करना ही पड़ता या मरना पड़ता, उन्होंने जीना स्वीकार किया और भिखारियों के साथ गाना गाने लगी। इसके बदले में भीख के तौर पर उन्हें जो कुछ मिलता उसी से अपना काम चलाती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोनारक और आज आपके लिए लेकर आए हैं जीवन के संघर्ष को अवसरों में बदलने वाली सिंधु ताई की कहानी। सिंधु ताई गाय का गोबर उठाती थी, जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलना चाहिए था, पर उन्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलती थी। गांव वालों को उनकी मजदूरी के पैसे ना देने वाले गांव के मुखिया की शिकायत सिंधु ताई ने जिलाधिकारी से कर दी, जिसके बाद उन्हें पैसा तो मिला, लेकिन अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मुखिया ने सिंधु ताई के पति श्री हरि के कान भर दिए और सिंधु ताई को घर से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से उनके पति को बहला फुसला लिया। तब वे 9 माह की गर्भवती थी। उसी रात उन्होंने तबेले में अपनी बेटी को जन्म दिया। जब वे अपनी माँ के घर गईं, तब उनकी माँ ने उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया। उनके पिताजी का देहांत हुआ था, वरना वे अवश्य अपनी बेटी को सहारा देते। सिंधु ताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर मरने के लिए चली गई। जैसे ही अपनी बेटी की आंखों में उन्होंने देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि वो उन्हें मरने से मना कर रही है। फिर उन्होंने डिसाइड किया, मरेंगे नहीं, जिंदगी का मुकाबला करेंगे। पेट भरने के लिए भीख मांगती और रात को खुद को और बेटी को सुरक्षित रखने के लिए शमशान में रहती। वहीं शमशान की आग पे अपने लिए रोटी बनाया करती थी। उनके संघर्षमय काल में उन्होंने यह अनुभव किया कि देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक माँ की ज़रूरत है। तब से उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी अनाथ बच्चा उनके पास आएगा, वे उनकी माँ बनेंगी। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को महाराष्ट्र ट्रस्ट में गोद दे दिया, ताकि वे सारे अनाथ बच्चों की माँ बन सकें। फिर बहुत मेहनत करके भिक्षा मांग मांग कर एक अनाथालय खोला और आज उनकी संस्थान के तमाम बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर हैं। उनकी खुद की बेटी वकील है। एक उम्र के बाद सिंधु ताई के पति जब 80 साल के हो गए, तब वे उनके साथ रहने के लिए आए। सिंधु ताई ने अपने पति को एक बेटे के रूप में स्वीकार किया, ये कहते हुए कि अब वो सिर्फ एक माँ है। आज वे बड़े गर्व के साथ बताती हैं कि वो उनका सबसे बड़ा बेटा है। सिंधु ताई कविता भी लिखती हैं और उनकी कविताओं में जीवन का पूरा सार होता है। वे अपनी माँ का आभार प्रकट करते हुए कहती हैं, अगर उनकी माँ ने उनको पति के घर से निकालने के बाद घर में सहारा दिया होता, तो आज वे इतने सारे बच्चों की माँ नहीं बन पाती। सिंधु ताई को तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार भी शामिल है, जो स्त्रियों और बच्चों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलता है। ये सारे पैसे वे अनाथ आश्रम के लिए इस्तेमाल करती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने अपनी वाणी और काव्य से समाज को प्रभावित किया है। विदेशी अनुदान आसानी पूर्वक मिले, इस उद्देश्य से उन्होंने मदर ग्लोबल फाउंडेशन संस्था की स्थापना भी की है।